एक साल पहले आज ही के दिन मोदी जी ने मित्रों मित्रों कहके देश की जनता की गाढ़ी कमाई को काला धन में बदल दिया। उन्होंने उन बहनों की बचत की कमाई को, जो वो पैसा बचा बचा कर अपने बच्चों के लिए खरीदने के लिए, छोटे छोटे खिलौने खरीदने के लिए, घर के सामान खरीदने के लिए, राशन पानी और बुरे दिनों के लिए वो पैसे बचा के अलमारी में रखती थी, उसको कह दिया कि वो सब कुछ काला धन। तो इस तरह उन्होंने 500 के और 1000 के नोटों को कह दिया कि ये अब से चलन में नहीं है। बिना किसी तैयारी के जिस तरह नोटबंदी को उन्होंने किया, बिना सोचे समझे रघुराम राजन जैसे इतने अच्छे आरबीआई गवर्नर को भगा दिया। ऐसे ऐसे हिटलर शाही के इन्होंने उदाहरण पेश किए हैं जिसकी वजह से देश की कमर टूट गई। देश की भूल, देश की भूल। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी इसको धोखा दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा धोखा आज तक इस देश के अंदर नहीं हुआ। तो हम सब इस 8 नवंबर के दिन को, हम ही नहीं है पूरा देश, हमेशा धोखा दिवस के याद में मनाता रहेगा। काले धन के चक्कर में लोग भूल गए कि वो जो स्विस बैंक से काला धन आने वाला था वो का रह गया, वो धन आया। इन्होंने कहा था बहुत फायदा होने वाला है नोटबंदी से, कुछ फायदे गिनाए थे इन्होंने। मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या आतंकवाद कम हुआ? क्या नक्सलवाद कम हुआ? क्या काला धन कम हुआ? लोगों ने लाइन में खड़े होकर अपने थोड़े थोड़े 1000 रुपए, महिलाओं ने, मजदूरों ने, रिक्शे वालों ने, किसानों ने बदले, उनका उपहास किया, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया मोदी जी ने। इस उपहास का जश्न मनाना चाहते हैं मोदी जी। 150 लोग लाइन में लग के मर गए, उसका जश्न मनाना चाहते हैं मोदी जी। पूरे देश को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत का वित्त मंत्री नालायक है, इसका जश्न मनाना चाहते हैं मोदी जी। नोटबंदी से सिर्फ एक बात साबित हुई है कि आर्थिक मामलों में पूरी जीरो है या भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता को लाइनों में तड़पा तड़पा के दम तोड़ा लोगों ने, गरीबों की बेटियों की शादियां टूटी, लोगों के तरह तरह के नुकसान हुए, और आज पूरा देश इसको एक जुमला, एक झूठ, एक फरेबी दिवस के रूप में जगह जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है। देश की आर्थिक बर्बादी की बरसी मनाने के लिए हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। इस देश के अंदर पहले भी रोजगार नहीं थे, अरे मोबाइल नीचे कर लो यार, पहले भी व्यापार बहुत अच्छा नहीं था, पहले भी किसान खुशहाल नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल पहले इस देश के अंदर नोटबंदी के नाम पर पूरी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया, आज उसके एक साल पूरे हुए, पूरा देश दिन से बदुआ दे रहा है, लेकिन इस देश की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, भी मानने को तैयार ही नहीं है। आज पूरा देश पूछ रहा है कि जिस नोटबंदी में 150 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिस नोटबंदी की वजह से लोगों ने अपने जाने गंवाई, देश को मिला क्या?
बताने को तैयार नहीं है। आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी नोटबंदी को एक धोखा दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है और पूरे देश के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसी आवाज को बुलंद करने के लिए कि अगर इस देश के साथ कोई धोखा करेगा वो चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो या डीएम हो, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ लड़ेगी। आज हम सब इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नोटबंदी एक धोखा है, नोटबंदी एक धोखा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।